तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में आपको लिफ्ट देखने को मिल जाती है। पूरी आपको टाइलिंग ऊपर तक हमने टाइलिंग लगा के दी है। तो जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर आएंगे आप देखेंगे लिफ्ट का मेन गेट आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने खुल रहा है। वेस्टर्न कल्चर के जो फॉरेन कंट्रीज के घर होते हैं उनकी दीवारों पे ऐसे डिजाइन होते हैं, वो सारी चीजें हमने कोशिश की है ऐसे देने की। एक साइड में जनकपुरी एरिया पड़ता है, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको विकासपुरी एरिया भी मिल जाएगा, बैक साइड में आपके उत्तम नगर पड़ने वाला है और इस साइड हम जाएंगे तो द्वारका एरिया आपके पीछे पड़ेगा। दीवार पे कितने अच्छे मोमेंटो लगे हुए हैं विद मिरर लगे हुए हैं ताकि घर एक खुला डुला लगे। यहाँ पे हम अपनी तरफ से आपको चिमनी प्रोवाइड करेंगे जो एक ब्रांडेड चिमनी होगी। टीवी यूनिट आ रही है वॉल यूनिट जिसपे हमने कितनी बढ़िया लाइटें करके दी हैं, तो बहुत अच्छा लुक निकल के आ रहा है इसके अंदर। आर्किटेक्चर नक्शा बनवा के बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें हमने यूज की हैं। रोड आपको देख लिया बाहर 30 फीट का वाइड रोड आपको मिल रहा है, बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी आ जाएगी। पार्किंग में हमने पूरा प्रोविजन दे रखा है, आपकी गाड़ी अंदर पार्क होगी प्लस एक बाइक या दो बाइक भी आप आराम से इसमें लगा सकते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक ऐसे अलीशान घर को ऐसे पोश एरिया के अंदर जो आपके पॉकेट फ्रेंडली ही रहने वाला है। अभी हम खड़े हैं एक 150 गज की पार्किंग के अंदर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पार्किंग दिखाना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग में हमने आपको 3 BHK प्लस 2 BHK निकाल के दिए हुए हैं। पर फ्लोर पे आपको 2 फ्लैट देखने को मिलेंगे, एक 3 BHK का एक 2 BHK का। पूरी 150 गज की आपको पार्किंग देखने को मिल रही है। अगर पार्किंग का मैं ऊपर से है ना आपको फॉल सीलिंग वगैरह दिखाऊँ, पीछे से लेकर आगे तक आपको ऐसी फॉल सीलिंग देखने को मिलने वाली है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे कोई गैदरिंग करना है या कोई छोटी मोटी पार्टी करना तो आपको बहुत अच्छा स्पेस देखने को मिल जाएगा विद फॉल सीलिंग, लाइटिंग वगैरह सारा प्रॉपर हमने अरेंजमेंट करके दिया है। नीचे ऊपर पूरे प्रॉपर पत्थर मिलेंगे, साइडों में आपको पूरा टाइलिंग का वर्क देखने को मिल रहा है। दीवार पे आप कहीं भी देख लें, पूरी आपको टाइलिंग ऊपर तक हमने टाइलिंग लगा के दी और बहुत बढ़िया आपको फॉल सीलिंग के साथ यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। लास्ट तक ये 2 साइड ओपन फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। पीछे भी हमने एक आपको छोटा गेट लगा के दे दिया है ताकि आप भाई अगर वहाँ से आना जाना करना चाहें, आगे गाड़ी खड़ी है बाइक से आना है तो उधर से आना जाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। पूरी पार्किंग का स्पेस है, पर फ्लोर के ऊपर आपको एक बाइक और एक गाड़ी का प्रोविजन पार्किंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसमें हमने पानी का पूरा ऑप्शन रखा हुआ है, एक आपको यहाँ पे बोरवेल देखने को मिल जाता है, एक जल कनेक्शन मिल जाएगा दिल्ली जल बोर्ड का जो मीठे पानी का कनेक्शन होता है, तो पानी की भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही पोश एरिया, यानी कि अगर आप इसके इस साइड जाएंगे तो आपको जनकपुरी मिल जाएगा, इस साइड जाएंगे तो आपको द्वारका देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आप रन करेंगे तो सीधा धौलाकुआ पहुंच जाएंगे। दिल्ली के अंदर इंटर करना है तो जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर होते हुए भी इंटर कर सकते हैं, जनकपुरी के अंदर से भी इंटर कर सकते हैं। हरियाणा की साइड निकलना है तो सीधा उत्तम नगर द्वारका मोड़ होते हुए आप हरियाणा की साइड भी निकल जाएंगे। यानी कि कनेक्टिविटी ऐसी, अगर आप गुड़गांव जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको हार्डली 30 से 40 मिनट के अंदर आप गुड़गांव पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पोस्ट एरिया के अंदर, बिल्कुल बीच में आपको कनेक्टिंग एक ऐसा स्पेस आज दिखाने वाला हूं। तो हम इसमें आपको 3 BHK प्लस 2 BHK देने वाले हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट करके बाकी सारी डिटेल ले सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और लुक देने वाला हूं कि कैसा हमने फ्लैट आपको बना के दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्टेयर्स देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में आपको लिफ्ट देखने को मिल जाती है। एक ऐसा अफोर्डेबल फ्लैट जिसमें आपको कार पार्किंग मिल रही है, साथ में लिफ्ट का प्रोविजन भी मिल रहा है और बहुत अच्छी आपको पार्किंग के अंदर फॉल सीलिंग वगैरह मिल जाती है। ये आप जो स्टेयर्स देख रहे हैं इनके साइड में आपको स्टील की ग्रिलिंग भी आ जाएगी। अभी बिल्डिंग में थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग टच का काम बचा हुआ है तो आप देख रहे होंगे जगह जगह काम चल रहा है। तो जैसे ही आप स्टेयर से ऊपर आएंगे आप देखेंगे लिफ्ट का मेन गेट आपके दरवाजे के बिल्कुल सामने खुल रहा है। चाहे आप लिफ्ट से आइए चाहे स्टेयर से आइए, इंट्री करते ही जैसे उधर आपने देखा फ्रंट के अंदर आपका 3 BHK मिल जाएगा और सामने आपका जो 2 BHK मिल जाएगा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। अगर आप चाहते हैं इसके प्राइस को जानना तो वीडियो एंड तक देखें, आपको पता चलेगा कितने अफोर्डेबल प्राइस के अंदर हम ये फ्लैट आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इंट्री करते ही ड्राइंग एरिया, जो सबसे खूबसूरत पल बिताने का अपने घर के अंदर जगह होती है वो ड्राइंग एरिया, उसको हमने एक ऐसे ही आपको परोस के दिया है। आप देख सकते हैं जैसे हम अपने घर में रहते हैं वैसे ही हम आप लोगों के लिए घर लेकर आते हैं। पूरी ऊपर फॉल सीलिंग के साथ, कितनी बढ़िया फॉल सीलिंग के साथ लाइटिंग का हमने प्रोविजन किया हुआ है। दीवार पे कितने अच्छे मोमेंटो लगे हुए हैं विद मिरर लगे हुए हैं ताकि घर एक खुला डुला लगे। हमने पूरा अच्छे तरीके से दिमाग लगा के सोच के आप लोगों के लिए बहुत अच्छा घर बनाने की कोशिश की है। इसी के साथ में अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है ड्राइंग एरिया के साथ में, ताकि आपके गेस्ट को ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। पूरा खुला हुआ आपको वॉश एरिया मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा, जिसमें आप देख रहे हैं इन वॉल के अंदर आपको सीटिंग पोस्टर मिल जाता है। ये सारी जो बाथ फिटिंग या सैनिटरी जो अभी लगेगी वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग लग जाएगी। अभी हमने इनको छोड़ा हुआ है, जैसे ही आप चॉइस करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगी। आप देख रहे हैं पूरी टाइलिंग का हमने वर्क किया हुआ है, इसके साथ में बीच में स्टीलिंग की ऐसी लाइनिंग दी है जिससे इसका लुक अलग ही निकल के आ रहा है।
जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा तो देखने लायक वॉशरूम बनेगा। ऊपर हमने प्रोविजन दे दिया है फैन वगैरह का, इधर हमने वेंटिलेशन के लिए आपका एग्जॉस्ट वगैरह लगेगा, शाफ्ट के अंदर हमने खिड़की दी हुई है। और इसके दरवाजों की बात करें तो एक बार आप दरवाजे का भी लुक देख सकते हैं, चाहे वॉशरूम का दरवाजा हो चाहे मेन डोर का दरवाजा हो, सारे दरवाजों का लुक अलग ही निकल के आ रहा है। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं इसके अंदर भी आपको वही वेस्टर्न कल्चर के जो फॉरेन कंट्रीज़ के घर होते हैं उनकी दीवारों पे ऐसे डिजाइंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कोशिश की हैं ऐसे देने की। हम आगे ना जाते हुए पहले आपको दिखाते हैं हमारा फर्स्ट BHK, फर्स्ट बेडरूम आपको देखने को मिलेगा, जो पूरी आपको है ना ऊपर तक वार्डरोब के साथ देखने को मिल रहा है। आपके घर में कितने ही कपड़े हों, कितना ही आपका सामान हो, सारा आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिए अंदर बाहर पूरी तरीके से लैमिनेट के साथ दिया हुआ है हमने, पूरी स्टोरेज के साथ कितना बड़े बड़े आपको कैबिनेट बना के दिए हुए हैं इसके अंदर। ऐसे ही आप इस साइड में भी ये चीज़ें देखेंगे, दोनों साइड ऐसे स्लाइडिंग डोर दिए हुए हैं ताकि जगह का पूरा भरपूर उपयोग हो सके। तो आप देख सकते हैं जैसे नीचे आपको पूरा स्टोरेज मिल रहा है, वैसे ही ऊपर आपके बड़े गर्म कंबल वगैरह रखने के लिए पूरा स्टोरेज आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर वैसे ही आपको फॉल सीलिंग हमने लगा के दी, पूरी वुडन फॉल सीलिंग बना के दी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी लाइटिंग के साथ। एसी का प्रोविजन आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी बड़ी विंडो आपको इसमें देखने को मिल रही है, पूरी शाफ्ट के अंदर रहेगी ताकि आपको वेंटिलेशन भरपूर रहे इसके अंदर, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो। तो इधर टीवी पैनल आ जाता है आपका, बड़े से बड़ा टीवी भी आप इसमें लगा सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊं जो स्विचेज और वायर वगैरह हम इनबिल्ट यूज़ करते हैं दीवारों के अंदर, वो भी आपको सारी ब्रांडेड देखने को मिलेंगी, ताकि आप भाई आपको फायर प्रूफ चीज़ें मिलें, आपको एक सिक्योरिटी वाली चीज़ें मिलें, इन फ्यूचर आपका कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए सैडले टाइप में आपको एक लैंप्स, हैंगिंग लैंप्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो अपने लुक को इन्हांस कर देते हैं। और सामने जैसे बात करें एक छोटे से स्पेस के अंदर हमने बहुत बढ़िया किचन निकाल के दी है आपको, सारी आपको मॉड्यूलर किचन बना के दी है। इसमें आपका बड़ा कोई बर्तन हो तो बड़ा बर्तन आपका आ जाएगा, छोटे जितने भी बर्तन हैं वो देख रहे हैं इधर कैबिनेट में आ जाएंगे। जितने भी बकेट वगैरह दिए हैं प्योर स्टेनलेस स्टील की, आपको हैवी बकेट देखने को मिल रही हैं जिसके अंदर आप अपना पूरा सामान अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी तरफ से आपको चिमनी प्रोवाइड करेंगे जो एक ब्रांडेड चिमनी होगी। साथ में पीछे इसकी 10 फीट की जो गली जा रही है, क्योंकि दो साइड ओपन प्लॉट है तो उससे आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी इसकी, आप देख रहे हैं भरपूर वेंटिलेशन। और ये खिड़की के आगे यहाँ पे ग्रिल की जाली आएगी, लोहे स्टील की ग्रिल आएगी पूरी जाली, ताकि आपको सिक्योरिटी भी प्रॉपर मिले। और इसी के साथ में हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये देखिए कितना प्यारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा आपका, एक बढ़िया बेड इसके अंदर आ जाएगा। और ऊपर फिर से हम बता रहे हैं फॉल सीलिंग का बहुत बढ़िया काम हमने करके दिया हुआ है। दीवारों के ऊपर आप देख रहे हैं प्लेन दीवारें हैं, इनके अंदर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वॉलपेपर लगवा सकते हैं जैसे आपकी चॉइस होगी। यहाँ पे एक छोटी सी हैंगिंग लाइट हमने दी है जिससे कमरे का लुक अलग आ रहा है। इधर आप देखेंगे वही आपका टीवी यूनिट आ रही है, वॉल यूनिट, जिसपे हमने कितनी बढ़िया लाइटें करके दी हैं, तो बहुत अच्छा लुक निकल के आ रहा है इसके अंदर। और इधर आपका आ जाता है एक बड़ा सा वॉशरूम, ठीक है ना, पूरा वॉशरूम मिल रहा है जो नीचे से ऊपर तक आपको टाइलिंग के काम के साथ मिल रहा है, पूरी प्रॉपर टाइलिंग मिलेंगी। वेंटिलेशन के लिए पीछे गली में खिड़कियां खुल रही हैं, एग्जॉस्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो बाथ फिटिंग होगी, फिर से मैं बता दूँ आपको, वो बाथ फिटिंग आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। चलते हैं पीछे बालकोनी में। जैसे मैंने आपको बताया था 10 फीट की गली आपको पीछे मिल जाती है, तो इसमें हमने प्रॉपर आपको बढ़िया बालकोनी एक निकाल के दी है जिसमें आपका वॉशिंग एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपका ये स्विच लगा दिया है, आप अपनी वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नलके का टूटी का प्रोविज़न है जहाँ से आप अपनी मशीन को अटैच कर सकते हैं। पीछे आपको 10 फीट की गली मिल जाएगी, ठीक है। और ऊपर तक यहाँ भी हमने टाइलिंग का पूरा प्रयोग आपको करके दिया है, बढ़िया तरीके से फॉल सीलिंग का काम इसमें हमने करके दिया है। डोर आप देख रहे हैं, एक बार मैं फिर से दिखाऊं, डोर हैंडल आप देखेंगे, देखिए रोज गोल्ड के अंदर कितना प्यारा डोर हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। तो हर चीज़ हमने एक सोच समझ के, आर्किटेक्चर नक्शा बनवा के बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं, ताकि आप लोग इसके अंदर रहें तो आपको एक अपनापन का बहुत अच्छा एहसास हो, आपके गेस्ट आएँ तो उनको भी अच्छा लगे। और ये सारी चीज़ें हम बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को दे रहे हैं। मैं इस जगह की बात करूं तो चाणक्य प्लेस दिल्ली के अंदर पड़ने वाला है, जो द्वारका के बीच में, जनकपुरी के बीच में पड़ने वाला है। एक साइड में जनकपुरी एरिया पड़ता है, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको विकासपुरी एरिया भी मिल जाएगा, बैक साइड में आपके उत्तम नगर पड़ने वाला है, और इस साइड हम जाएंगे तो द्वारका एरिया आपके पीछे पड़ेगा, जहाँ पे बड़े बड़े पार्क, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े स्कूल्स, आपके बच्चों के लिए फ्यूचरिस्ट सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। रोड आपको देख लिया बाहर, 30 फीट का वाइड रोड आपको मिल रहा है, बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी आ जाएगी। पार्किंग में हमने पूरा प्रोविज़न दे रखा है, आपकी गाड़ी अंदर पार्क होगी, प्लस एक बाइक या दो बाइक भी आप आराम से इसमें लगा सकते हैं।
और इस बिल्डिंग के ऊपर पूरा आपको 100% तक का हम लोन प्रोवाइड करवा के दे सकते हैं। जैसी आपकी प्रोफाइल रहती है, रजिस्ट्री वाला फ्लैट है तो गवर्नमेंट बैंक भी आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बहुत अच्छी लोकेशन में बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर आप चाहते हैं इस जगह पर विजिट करना तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके आप विजिट कर सकते हैं। सैटरडे संडे का शेड्यूल रखें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम इंटरटेन कर सकें और अपनी जो एडिशनल अलग भी जगह हैं और साइट्स हैं वो भी आपको विजिट करवा सकें। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके चलो ताकि आने वाली जितनी भी फ्लैट्स की वीडियो आपको देखने को मिले, आपने हमसे फ्लैट खरीदा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके रिलेशन में किसी को चाहिए तो उनको भी वो वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।